अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में एक तहसीलदार रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि कैसे गरीब किसान मजबूर लोगों से इस तरह के तहसीलदार रुपये मांगते हैं कुछ काम के लिए। और एक तरफ KCR सुनहरा तेलंगाना की बात करते हैं, सुनहरा तेलंगाना मनाते हैं और फ्री करप्शन और करप्शन फ्री तेलंगाना बनाने की बात करते हैं, लेकिन सब में ज़्यादा करप्शन हमारे ही तेलंगाना में हो चुका है। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर मंडल, हर जगह इस तरह का ही काम हो रहा है। कई दिनों से रुपये मांग रहे थे और इन्होंने प्लान करके किसानों ने वीडियो ले ली और वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ रुपये पहले दिए गए लेकिन वो रुपये लेने से इनकार किया, फिर उसके बाद मज़ीद और रुपये दिए गए तब वो रुपये लिए, तो ये सारी वीडियो कैद हो चुकी है। अब इन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ऐसे बेईमान लोगों को ऐसे कुर्सियों पर रहने का, ऐसे ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो बोल रही है वो करके दिखाएं, और ईमानदार ऑफिसर भी मौजूद हैं, वो ईमानदार ऑफिसरों की जानिब से ऐसे करप्ट ऑफिसरों को बर्खास्त करें ताकि आम आदमी का एतमाद हुकूमत पर और ऑफिसरों पर बरकरार रहे। देखते हैं इस रिपोर्ट। ఇంకా వేయాలి ఒక్కొక్కటి ఊరియాలే ఊరియాలే ఇస్తున్నా అట్లా